नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, दिन हो चुका है। मैंने अभी एक व्लॉग ख़त्म किया है और यहाँ पर मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। सो यस, आज है संडे, संडे को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कल तक इसको स्ट्रेच करूँगी मंडे तक, क्योंकि कल कुछ करवाने वाले हैं हम लोग, कल कहीं जाने वाले हैं। तो एंड ऑल्सो जो लास्ट व्लॉग है ना, उसमें मैंने एक DIY बनाया था। ये है वो DIY, इसको मैं अपलोड करने वाली हूँ एज ए रील ऑन माय डेकोर वाला जो इंस्टाग्राम है उस पर मैं डालूंगी। एंड ऑल्सो मैंने अपने बालों को कर्ल किया था, लास्ट व्लॉग में ही बताया था। दो दिन नहीं चले, दो दिन में वापस से मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, हद है मतलब। सो यस, एंड आज हम लोगों ने जो चीज़ें मंगवाई है ना, वो बाहर की मंगवाई है। एक्चुअली कल हमारे फ्रेंड्स आए थे तो मैंने अपनी फ्रेंड को ये खिलाया था, जिस किस किस ने ये ट्राई किया है, मैकडी का मैक फ्लरी। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, मेरी पुरानी सोसाइटी में एक दीदी रहती है, शालिनी दीदी, तो उनके साथ मैंने खाया था, उनने मुझे खिलवाया था ये। एंड उसके बाद से आई जस्ट लव इट, मतलब बहुत टेस्टी लगता है ये। और कल मैंने निशा को खिलाया तो निशा बोलती, भाई क्या चीज़ है ये, कितनी टेस्टी है ये, वो है क्या ये, मैंने अभी तक क्यों नहीं खाया। तो ऐसे करके, तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया है ना तो बताइएगा किस किस ने ट्राई किया, और नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई जरूर करना। कि स्मॉल टब मैंने मंगवाया, तो विक्की ने अपनी अलग चीजें मंगवाई है, मैंने अपना अलग फेवरेट्स मंगवाया है। और अभी ना बारिश हो रही थी और बारिश एकदम बंद हो गई और अब धूप आने लग गई है, तो ये बारिश बंद नहीं होनी चाहिए। बस सुशी सलमा जो है वो अभी भी यहीं पर ही है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये दिख रही है दो लड़ती हुई, ये देखो शर्मा गई। सुशी, सुशी कम है यार, ये रही, ये रही, ये देखिए गाइस। तो नहीं पता है सुशी एंड सलमा कौन है, तो ये दो बहनें हैं, यहाँ पर आके मस्ती करती हैं, फूलों में नाचती है, गाती है, लड़ती हैं, कभी कभी अंदर भी आ जाती हैं। तो हनी बीज हैं, तो आती हैं ये इधर पे मस्ती कर रही है, दोनों लड़ती हैं, एक के पीछे एक भाग रही हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है हमारी बालकनी में, तो वो यहीं आती हैं बस। मैं तब डर जाती हूँ जब अपनी मम्मियों को बुला लेती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको डांटती वाटती नहीं हूँ। सो अब हम करते हैं हमारा लंच। सो गाइज, दिस इज द पास्ता, आई थिंक ये ये अरोमा वेज पास्ता है, एंड दिस इज पेनी पास्ता, देन दिस इज मैक फ्लरी, एंड ये है गार्लिक टोस्ट, क्योंकि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एंड ये है विक्की इज एंजॉइंग हिज ओन फूड। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे, कल मैंने कंटिन्यू नहीं किया, ऐसे ही मतलब मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया कल का ब्लॉग। एंड अभी सुबह निकलने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने कैमरे को दिखाने के लिए। अभी इसको 9 मंथ हुए हैं, एंड इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसके जो ये मोड्स हैं ना, ये जो ऊपर, हाँ, तो इसके जो मोड्स हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, मतलब मैं जब इसको ट्विस्ट कर रही हूँ ना तो ये सारे मोड्स वर्क नहीं कर रहे। मैं यूजुअली जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं AV में बनाती हूँ, तो उसको दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। एंड मेरे पास बढ़िया, बहुत ही कमाल की बात ये हुई है कि मेरे पास बिल नहीं रखा है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने इसका बिल कहाँ पे रख के रखा हुआ है। तो अभी थैंकफुली मैंने पूरा बैंक ट्रांसफर किया था कैनन वालों को, तो वो बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट लिया है ताकि उनको ये बता सकें कि भाई हमने ये अक्टूबर में खरीदा है। तब भी नहीं मानेंगे तो उनको व्लॉग दिखा दूंगी, व्लॉग में ये चीज़ एक फायदा हो जाता है व्लॉग्स में चीज़ें शो करने का, मैं उनको दिखा दूंगी देखो मैंने व्लॉग में किया था। और जो कैनन का सेंटर है वो है इधर पे अंधेरी ईस्ट में है, तो वहाँ हम लोगों को जाना है। एंड उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इवन कैनन सर्विस सेंटर वालों से मैंने कॉल करके जो कैनन इंडिया उनसे पूछा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, दे हैव नो कॉन्टैक्ट नंबर, दे हैव नो कन्फर्म टाइमिंग्स, मतलब इतना मतलब अभी तक जितनी मैंने फ़ोन पर बात करी है बहुत ही पिस्ड हुई मैं बात करके। और अभी मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी, टचवुड कैनन ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसने मुझे इतना परेशान कभी किया नहीं है, बट जो अभी कैनन वाला है उस सेंटर पे मैंने बात करी तब आई रियलाइज की ओह सो प्रॉब्लमेटिक। तो अभी मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश। मामाअर्थ ने रिसेंटली एक्वा ग्लो रेंज लॉन्च किया है, ये एक परफेक्ट नेचुरल स्किन हाइड्रेशन सोल्यूशन है विच इज मेड अप ऑफ हिमालयन स्प्रिंग वाटर। तो हिमालयन स्प्रिंग वाटर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिरेकुलस पोर्शन फॉर स्किन। जैसे कि आपको पता होगा गौरीकुंड खीर गंगा को लोग यहाँ स्पेशली नहाने जाते हैं, क्योंकि इन स्प्रिंग वाटर में हीलिंग एंड हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज होती है। इस रेंज में 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्वा ग्लो फेस वॉश, फेस सीरम एंड जेल मॉइस्चराइजर। फेस वॉश करने के बाद जो मैं लगाने वाली हूँ वो है मॉइस्चराइजर। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हिमालयन थर्मल वाटर, हाइलुरोनिक एसिड एंड एलोवेरा। तो ये आपको 72 आवर्स का हाइड्रेशन देता है, काफ़ी लाइट वेट जेल फॉर्मूला है, आपकी स्किन को फ्रेश एंड प्लम रखता है। इसके अंदर गुडनेस ऑफ हिमालयन थर्मल वाटर है, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। एज वी ऑल नो दैट मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। तो आप जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ
साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है एंड्रॉइड एंड iOS का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जो भी ऐप यूजर्स होंगे उनको सबसे पहले जो डिस्काउंट्स होंगे उसके बारे में एंड सेल्स के बारे में पता चलेगा। एंड स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलता है 20% ऑफ mamaearth.in की वेबसाइट पर। मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल ऑन नायका, अमेजन एंड mamaearth.in। एंड अब हम फटाफट से चलते हैं जहां मुझे जाना है उसके लिए। आई एम वेयरिंग दिस जीन्स। मैंने अपना जो कैमरा है वो इसके अंदर रख लिया है। आई एम टेकिंग दिस। बाकी मैं आपको मोबाइल से दिखाऊंगी जो भी अपडेट होगा स्टेटस का। सो या लेट्स गो। हाय गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और वो पीछे जो देख रहे हैं उसमें हमारी बॉटल है, लंच है और कैमरे का बॉक्स है। ट्रैफिक इस तरीके का ट्रैफिक है, मतलब एक तो हम मंडे को निकले हैं और अभी ऑफिस लॉकडाउन करवाएंगे लोग। इस तरीके लिटरली इस तरीके का ट्रैफिक है कि मतलब हम लोग इस बात को लेकर तो श्योर है कि 1 month मैक्स लॉकडाउन कभी भी हो सकता है, कभी भी अनाउंस हो सकता है क्योंकि केसेस वैसे ही बढ़ने लगे हैं। सर जी, जैसे हम लोग निकले हैं आज, है ना, हमारा जैसे कैमरा खराब हो गया या हम किसी काम सर्विस सेंटर जा रहे हैं, और भी ऐसे कितने लोग होंगे, किसी का एसी खराब हुआ होगा, किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम आई होगी, घर में ऐसे कितने छोटे मोटे बैंक के काम होते हैं, ये काम होते हैं, वो काम होते हैं। तो क्या हुआ है, क्योंकि जो ओवरक्राउड हो गया था ना सैटरडे संडेज को, उसकी वजह से बंद कर दिया सैटरडे संडे। अब सब बंद रहता है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद रहती है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे जो ऑफिस क्राउड है वो भी है, साथ में साथ जो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं वो भी है, और जो ये घूमने फिरने वाले लोग होते हैं ना वो भी आई एम श्योर होंगे ही होंगे। यहाँ मुंबई में पेट्रोल के रेट्स क्या चल रहे हैं, 107.2 एक्सपेंसिव चल रहा है पेट्रोल। इमेजिन, अभी भी नहीं पहुंचने वाली, अब तो इतना हैबिट खत्म हो गया ट्रैवलिंग का, तो मुझे तो कार में बैठते से ऐसे बस स्लीपी स्लीपी लग रहा है कि मैं सो जाऊं। इंपॉर्टेंटली पार्किंग मिल गई। डाल दिया है कैमरा एंड शी टोल्ड अस कि एटलीस्ट 20-25 डेज लग सकते हैं। मतलब बाप रे, मैं सुन के शॉक हो गई। मैंने कहा इतना, तो वो बोले ये देखते हैं जो भी होगा वो इन्फॉर्म करेंगे मेल पे, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ना सर्विसेज काफ़ी स्लो हो गई, 50% स्टाफ आता है, 50% नहीं आता ना। लेट्स सी क्या होता है, कब मिलता है वो। हे गाइस, सो वी आर बैक। और जहाँ अंधेरी से आ रहे थे तो अंधेरी में अच्छा खासा पानी गिर रहा था, थाने में भी बहुत सारा पानी गिर रहा था। जब हम एंटर हुए जो आउटर थाने है वहाँ पे, एंड जब हम हमारे लोकेशन पे पहुंचे तो पानी गायब, बिल्कुल गायब, वैसी गर्मी। और जब हम आए हैं तो हमको ये एक बड़ा सा पैकेज मिला है। सो ये मुझे सेंड किया है रेड ओक फाइन फर्नीचर वालों ने, तो इसको ओपन करेंगे एंड असेंबल करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। सो यस, अभी लेकिन पहले खाना बना रही हूँ, फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो विक्की ने फटाफट से सब्ज़ी पका रही है, वो बना रहा है, क्या बना रहे हो, पनीर भुर्जी बना रहा है, बहुत जल्दी बन जाती है वो। और मैं तब तक रोटी डाल रही हूँ, तो मैं वापस गॉड ब्लेस यू, तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ रोटी डालने के बाद। तो अभी मैं शूट करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड लुक व्हाट आई एम वेयरिंग। तो ये ऊपर से मैं रेडी हो चुकी हूँ, नीचे मैं वही पहनी हूँ जो मैं घर में पहनी हुई थी। एंड अब एक ही कैमरा है तो इसी कैमरे से शूट करते हैं, तो मैं शूट करती हूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा जो शूट है वो डन हो चुका है, अब मुझे बस ट्राई ऑन हॉल करना है। एंड अभी थोड़ा वेदर ठीक हुआ, बारिश हो गई है, थैंकफुली थोड़ा ठंडा हो गया है। एंड अभी मजे की बात पता क्या हुई, आज विक्की का मैंने वैक्सीनेशन बुक करा था, लड़ झगड़ के नहीं, लड़ झगड़ के मतलब हाँ लड़ झगड़ के। कल मम्मा ने भी इसको डांटा था, मतलब मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने भी डांटा था कि इसका वैक्सीन करवाओ जा करके, ये करवा नहीं रहेगी। क्या बोलता, आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, ढिमका कराऊंगा, बोलते 3 महीने पहले मेरा वायरस हुआ। तो वैसे ही ये सही बात है कि 6 month तक जरूरी नहीं है, बट 3 months के बाद आप लगवा सकते हो। तो अरे क्यों लगवाओ, मतलब लगवाना जरूरी है भाई, लगवाना है वैक्सीन, रिकवर करना है तो 6 महीने। हाँ, रिकवर्ड है बॉडी, अजीब इसके पता नहीं कौन सा डॉक्टरी लॉजिक चल रहा है बिना सर पैर के। तो कल घर पे डांट पड़ी इसको उधर से मम्मा ने, तो मैंने आज इसको बोला, मैंने कहा रुक जाओ, आज अगर वैक्सीन बुक नहीं करी तो मैं फिर से ग्रुप में जो हमारा घर का ग्रुप है उसमें डाल देती मैं, या फोन लगा देती मम्मा को या पापा जी को, बताती मैं, शिकायत करती, डांट पड़ती है फिर इसको। तो जब इसको डांट पड़ती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब हमारा ऐसा होता है कि अगर जैसे मैंने विक्की की कंप्लेन करी है तो फिर विक्की को डांट पड़ेगी, मेरी बात मानी जाती है। विक्की ने मेरे घर पे कंप्लेन करी है तो मेरी मुझे डांट पड़ती है, विक्की की बात मानी जाती है, बट मेरी कंप्लेन बहुत कम जाती है विक्की की। झूठा झूठा झूठ बोल रहा है,
कुछ नहीं, इसके इतने कांड होते हैं, ये कितनी चीजें ऐसी होती है जो सुनता ही नहीं है। तो फिर सीधे मेरे पास एक हथियार होता है, पापा जी हमारे जो मेरे फादर इन लॉ है, मैं इसको वही धमकाती हूँ। मैंने कहा रुको पापा जी को शिकायत करती हूँ, मैं उनको फोन लगा के बता देती हूँ। तो ठीक है कुछ नहीं अभी तो मैंने ना, हाँ तो अभी बिल्कुल दुखी मैं जा रहा था, 5 बजे का टाइम था, मैंने कहा चलो चलते हैं ये वो। अब कल कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, सिग्नेचर विग्नेचर का है तो वो करना जरूरी है हम लोगों को। तो अब वो काम आ गया तो वो उस पर मैं कुछ बोल नहीं पाई, तो विक्की बोलते रीशेड्यूल कर दो कल के लिए। तो मैं रीशेड्यूल कर रही हूँ और फिर रीशेड्यूल कर रही हूँ तो वो लिख रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द सेम डेज एज योर यू नो प्रीवियस कन्फर्मेशन। फिर मैंने कहा शिट, मैंने एक्चुअली मैं कल का ही स्लॉट बुक किया है, आज का बुक भी नहीं किया है। मतलब मैं लगे इसको भी लेके जाती, मैंने कहा अच्छा हुआ यार चेक कर लिया, नहीं तो मैं बारिश हो रही है मेरे को और चिल्लाता फिर। एंड हाँ, अब फटाफट से मैं ट्राई ऑन हॉल कर लेती हूँ, ट्राई ऑन के बाद फिर हम इसको असेंबल करेंगे क्योंकि मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है। तो मैं फटाफट से ट्राई ऑन करती हूँ, ट्राई ऑन भी मैं इसी जगह पे करूँगी। आज मैंने अपना पोजीशन लोकेशन चेंज किया है, मैं यहाँ बैठ करके अपना वीडियो बना रही थी। और ये बहुत ही मॉडर्न एंड बहुत अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको परचेस करना है तो। काफ़ी अच्छे प्राइस में भी है एक्चुअली। मैं जो इसका बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, तो उसके लेग्स दिख रहे हैं ना, ये वुडन लुकिंग लेग है बट एक्चुअली में ये मेटल है, तो मतलब खराब होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। एंड ये मुझे भेजी है रेड ओक फर्नीचर से, उनके पास बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ फर्नीचर है, सोफाज हैं, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल एंड सो मेनी थिंग्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उनके वेबसाइट का, आप चेक जरूर करिएगा। एंड अभी देखते हैं कि इसको स्टाइल कैसे करेंगे, तो वो अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोचूंगी। तब तक आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसको मुझे कहाँ रखना चाहिए। तब तक मैं भी सोचती हूँ कि मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए। अगर किसी का सजेशन अच्छा लग गया डू लेट मी नो कि इसको मैं कहाँ रखूँ। तो विक्की का एक सजेशन है कि कहाँ रखा जाए। गाइज आप लोगों को पता है सठियाना क्या होता है, ये वही हो चुका है। काम कर करके दिस इज द चेयर गाइज, इट इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ स्टाइल करूँ। डेफिनेटली यहाँ तो अभी ये नहीं अच्छी लग रही है इन पूफ के साथ, तो इन दो पूफ्स को या तो मैं अंदर कर दूंगी या इसको मैं कहीं और कर दूंगी, समझ में नहीं आ रहा है। सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी आइडिया। एंड ऑल्सो अभी खाना वाना खाएंगे, डिनर का टाइम हो चुका है एंड नाइट व्यू बहुत टाइम से नहीं दिखाया है मुझे। कुछ लोग एक्चुअली में कमेंट करते हैं कि अब अपना इसका नाइट व्यू एंड डे व्यू दिखाया करो। एंड लुक एट दिस, stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are। अभी विंडो को बहुत ज्यादा ओपन नहीं रखते हैं क्योंकि बारिश का सीजन है ना, तो इसलिए। एंड अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल।
हाय गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल तक मैंने ब्लॉक किया था, उसके बाद मैं डायरेक्टली आज कर रही हूँ। तो मैंने बताया था ना, कल विक्की का वैक्सीनेशन था तो वो कैंसिल करा के आज कराया है हम लोगों ने। तो आज विक्की का वैक्सीनेशन है अभी 4 बजे से, तो मैं लेकर के जा रही हूँ विक्की को। एंड काफी सारे लोगों ने मुझे लास्ट ब्लॉग में पूछा कॉमेंट करके कि विक्की भैया का रिएक्शन क्या रहा गिफ्ट जो किया। तो ऑब्वियसली वैसे वो मेरे ब्लॉग्स नहीं देखता है, ठीक है, वैसे वो ब्लॉग नहीं देखता, बट उसने स्पेशली वाला ब्लॉग देखा। ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं आज के ब्लॉग में कुछ है नहीं, तो उसने जान पूछ के मेरा ब्लॉग देखा। और जैसे ही उसने मेरा ब्लॉग देखा, Tell me sir, what was your reaction? अच्छा reaction था। अच्छा अच्छा, क्या बोला था? ए मोटी? नहीं मोटी नहीं। अरे अरे, ऐसे बोला था, ए मोटी? ये मोटी मेरे को बोलती है, मेरे को मोटा है। झूठ। सुनो, on camera कितनी बार मेरे को बोलता है ए मोटी, मेरे लिए टी-शर्ट किसके लिए लेकर के आई? ये एक बारी में इंसान एक लाए अच्छा है, दो लाए ठीक है, दो ही तो है, तीन लाए वेरी गुड, नहीं दो ही तो है, इस बार दो लाइए वेरी गुड। हाँ, मैं मुझे पता था, वो भी मैं बताती हूँ। ये वही टी शर्ट पहना है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं इसके लिए ये लाई थी। रुको एक मिनट, एक सेकेंड, ये दिख रहा है, ये छेद दिखा गाइज आपको, ये आपको दिखा? नहीं नहीं दिखा, नहीं ये दिखा, यहाँ वाला नहीं, नहीं दिखा, नहीं, हे राम अभी दिखा, ठीक है। ये पूरी टी शर्ट में इसके यहाँ पर छोटे 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 छोटे, अरे मेरी फेवरेट टी शर्ट है यार, फेवरेट ये मैं ही लाई थी, मैं जो लाती हूँ वो ही आपकी फेवरेट टी शर्ट। अरे तो खुद लाई थी तो फाड़ने को किसने बोला? नहीं, क्योंकि ये पूरी फट चुकी है, ये किसी को देने लायक भी नहीं बची है, घसीट मतलब उसकी जान ले चुके उस टी शर्ट की आप। नहीं, ये कम से कम दो तीन साल। हेलो, तो मैंने यही सोचा था कि मैं चुपचाप इसको हटा दूंगी, बट चुपचाप तो मौका ही नहीं आता है। जैसे ही वॉश हो गई ये टी शर्ट, कहीं पर भी होती है विक्की उठा के ये टी शर्ट पहन लेता है। तो अभी आज इसका पोछा बना देंगे, और वो ऐसी टी शर्ट भी नहीं है कि मैं किसी को दे सकूं, ऑब्वियसली फटे हुए कपड़े थोड़ा किसी को देंगे यार। तो फाड़ी क्यों, मैं तो पहन रहा था ना। अरे वो फटी थी ऑलरेडी, उसमें कम से कम 15 होल्स थे, 15। आंखें मटका मटका के क्या बोल रही हो कि मतलब 15 होल थे? तो है तो ठीक है ना, एयर ही टी शर्ट है, हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो वैक्सीनेशन के लिए। आज तो विक्की का वैक्सीनेशन डे है, एंड ऑल्सो मेरी फ्रेंड है तो वो थोड़ी सी अनवेल है, निशा जो आई थी, तो मैं उसको चेयर अप करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, कल हमारी बात हो रही थी तो वो काफ़ी अपसेट हो गई थी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट टाइम जो हमने उनको प्लांट गिफ्ट किया था ना, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में बोला था, मैंने पूछा था आप क्या तुलसी जी है क्या, तो उन्होंने बोला था नहीं तुलसी जी नहीं है। तो मैं उनको तुलसी प्लांट गिफ्ट करने वाली हूँ, और छोटे मोटे गुटीज़ जो है चेयर अप करने के लिए। मैं उनके घर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रही हूँ, तो फटाफट जाऊँगी बाहर से उनको गिफ्ट करके आऊँगी, थोड़ा मूड अपलिफ्ट करूँगी, एंड देन फिर उसके बाद आ जाऊँगी। आज क्या खाने वाले हो आप? चलिए गाइस चलते हैं। गाइस वी आर गोइंग, एंड सबसे पहले हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी पार्क करने की बहुत इशू आ रही थी लास्ट टाइम भी, तो ऑटो से जाएंगे, यहीं पास में ही है। ये क्या लिखा है देख रहे हैं, गेट वेल सून है। तो वो जो मैं तुलसी का प्लांट लूंगी ना निशा के लिए, उसमें इसको लगा दूंगी। अच्छा ना लगे तो ऐसे मार भी सकते हो, लग रही है उससे क्योंकि वो हैवी है। हाँ ये बहुत हैवी है, ये क्ले है, ड्राई हो गई है। What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Okay guys, तो वैक्सीनेशन लग गया है विक्की को, एंड अभी हम वापस इधर आए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो 2 मिनट में निशा जो रहती है ना, अभी क्या हो रहा है, बीच की रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोगों का ना वे वो रहती है बिल्कुल सामने ही है मेरे घर के, बट एक बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में रहती है, तो हम लोगों का पूरा घूम के जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन। सो वी आर होपिंग कि वो जब खत्म हो जाएगा तब फिर हमको पास पड़ेगा, पैदल भी जा सकेंगे, है ना, पैदल जा पाएंगे कि नहीं? पैदल जाने वाला रहेगा ना अभी तो, लेकिन लंबा पड़ता है तो इसलिए गाड़ी से ही वाया कार ही जा रहे हैं हम लोग। 2 मिनट में बस मैं ऊपर बैठूंगी, नहीं फटाफट दे करके आ जाऊंगी। ओके गाइस, तो हमने तुलसी जी ले ली है, ये रखी हुई है पीछे, और मैं इसलिए पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि वो लुढ़क ना जाए कहीं पे, तो इसलिए। How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Yeah, yeah. With all the stuff,
सी एक्चुअली सिक्योरिटी पे मैंने मना किया था कि आप मत बताइएगा कि मैं जा रही हूँ, बट वो सिक्योरिटी ने बता दिया तो अब निशा को पता चल गया कि मैं आई हूँ, मुझे वो इस मैंने मैं सरप्राइज देती, बट ठीक है। ओके गाइस डन, जा रही हूँ जल्दी से अपने घर, शॉवर वगैरह लूंगी। यहाँ पर गया था अपना सामान लेने के लिए, उसको KFC की पता नहीं कौन सी तुम्हें बकेट खानी थी, क्या हुआ बंदे। ओके गाइस हो गया है, घर पहुंच गए हैं, इसलिए मैंने मास्क नीचे करा है, बहुत सफोकेशन हो रहा है। तो ये है विक्की, कैसा लगा आपको आपका वैक्सीन एक्सपीरियंस बताइए। ओके गाइस तो वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी तो वही है, अभी तो कुछ समझ में आता नहीं है स्टार्टिंग के 5-6 घंटे, और शार वगैरह ले लिया है हम दोनों ने ही, और अब मैं जो ये वीडियो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बाकी का जो अपडेट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Star